Hello, hi everybody. My name is Yaresh. Today our discussion is about I am giving the detail of the apna GSK. Okay. What is the GSK? GSK is the part of the GST. What's the GST? GST Goods service tax. So, GSK. So GSK is your own franchisee, which is the giving the service of the customer to get the GST number, GST return, digital signature, ITR, PAN card, form registration, and private limited. These are the type of the we have the in the six category, which is the so. And which is the we execute from the this level. So this GST पैसा कमाने का एक सुनहरा अवसर है. आप अपने क्षेत्र में GST सुविधा केंद्र खोल कर लाखों रुपए प्रति माह कमाए. सुविधाएं क्या दे सकते हैं आप इस GST के थ्रू, GSK के थ्रू सुविधाएं. GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबके लिए मैंडेटरी है. कोई टैक्स पे करता है या ना पे करता है, कोई टैक्स पेयर है या नॉन पेयर है, सबके लिए जीएसटी नंबर इम्पोर्टेंट हो रहा है. जीएसटी नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है? यदि आप मार्केट में जाते हैं, जीएसटी नंबर नहीं देते हैं है आपके पास, और ग्राहक से मेन दुकान से मांगते हैं बिल, वो बिल नहीं देता है, कहता है अपना जीएसटी नंबर दीजिए. यदि आप जीएसटी नंबर नहीं देते हैं तो वो बिल नहीं देता है और वो ब्लैक मनी में ले जाता है. यदि आप जीएसटी नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल, यदि आप कुछ भी ऐसा चीजें लाएं जो कुछ बना करके आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बना करके और उसको मार्केट में फिर बेच रहे हैं, तो वो सामान ले करके आए, जैसे आप 100 रुपये का सामान लाए, उस पर एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये के सामान में आपने 18% जीएसटी दिया है, 5% दिया. चलिए आपने 5% जीएसटी दिया या 18 रुपये दिया. 100 रुपये पे 18% जीएसटी देंगे तो 18 रुपीज हुआ, तो आपने 18 रुपये दिया. ठीक है, वही जीएसटी अभी 100 रुपये का सामान पर आपने जब उसको मैन्युफैक्चर किया तो 118 रुपये जो पे किया, आपने देखा जोड़ के कि भाई 1 किलो में नहीं होगा, 1.5 किलो में. तो 1 किलो का दाम पहले लाए अब 100 रुपये का, अब उसे अब 200 रुपये कर दिए. अब 200 रुपये का जीएसटी आपने जब मार्केट में बेचा तो 200 रुपये का जीएसटी 18% लगा दिया. अभी 200 रुपये का 18% हो गया 36 रुपये. तो 200 रुपये का 36 रुपये लिया है, तो आपने देखा कि हाँ हमने तो जीएसटी पे किया था खरीदते समय, तो आपने जीएसटी नहीं पे किया. अभी आप रिटर्न पे कर रहे हो तो आपने दिखाया रिटर्न में कि हमने तो पहले लिया तो 18% पे किया था, अभी 18% पे कर रहा हूँ. तो जो 18% आप पे किए थे उसमें से वो 18% रिटर्न हो जाएगा और आपका 18% बच जाएगा. तो ये हुआ ना एक बात कि जीएसटी एक ही जगह देना है, दो जगह नहीं देना है, अलग अलग तरीका हो सकता है. तो जीएसटी, और यदि आप जीएसटी नहीं देते हैं, नंबर देते हैं मार्केट में, जैसे मैं पहले बताया, तो वहां पर क्या करता है वो बिल ग्राहक दुकानदार नहीं देता है और आपसे ज्यादा भी पैसा लेता है, और वो अपनी कमाई अपना बिल इधर उधर फाड़ करके वो ब्लैक मनी में ले जाता है. तो ये है जीएसटी. जीएसटी आज आप जान लीजिए सही और सरल भाषा में, जीएसटी नंबर सबके लिए बहुत जरूरी है. जीएसटी नंबर लीजिए तो ही सब कुछ है. चलिए दूसरे लेवल में बात करते हैं. इन द दिस लेवल हाउ टू अर्न द मनी थ्रू द जीएसटी. योर जीएसके
और जीएसके में ग्राहक सेवा केंद्र, देयर आर द मेनी वे टू अर्न द मनी विच इज द वन ऑफ द वे ऑफ द जीएसके. You can earn the money by making the money. This the golden opportunity to open the GST facility center. It is the area earn millions of the rupees per month. Facility. First GST registration. Yeah. First GST registration. What you can do from the this center? First GST center. Second GST return filing. Second, third, digital signature certificate. Fourth, ITR filing. Fifth, PAN card registration. Sixth, form registration. Seventh, private limited and private WLL company registration. This type of work you can execute from the your center. Yeah. Present by the SL Corporate Solution Private Limited. Yeah, SL Corporate Solution Private Limited ही अपना GSK को डिस्ट्रीब्यूट करता है. एक कंपनी का नाम है जो SL Corporate Solution प्रोवाइड करता है आपको. How to open your GSK? आप GSK कैसे ओपन करेंगे? For open the GST सुविधा केंद्र required the equipment and documents. आपको यह सुविधा केंद्र खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपको देना है. पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, आप सभी लोग जानते हैं. फॉर ऑफिस, आपके ऑफिस के लिए जरूरी चीजें, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस एंड इन्वेस्टर UPS, ये चीजें होना चाहिए. ये चीजें हो गया तो आप एलिजिबल हैं. बहुत जरूरी है ध्यान में दें, किसी जो भी GST के लिए अप्लाई करता है GSK लेने के लिए उसको कभी भी कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए. कीप इन माइंड, आप इसे ध्यान दीजिए देना. फ्रेंचाइजी फीस होता है जो 25,000 रुपया प्लस 18% GST, कुल मिला के 29,500 या ठेठ में बोलते हैं 29,500. यह नॉन रिफंडेबल है. This is the one time invest. यह एक ही बार देना है, उसके बाद नहीं देना है. इसको अब तो जान गए आप कि 25,000 और 4,500 देना है, लेकिन ये देना है. लेकिन अब इसके फायदे कैसे आप कमाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, उस पर ध्यान दीजिए. इनकम प्लान GSK फर्स्ट GST एंड रजिस्ट्रेशन फीस 500 GST एंड 18% इंटरेस्ट GST इंटरेस्ट. सो इक्वल टू बिकम टोटल 590. यह रजिस्ट्रेशन फीस 500 प्लस 18% GST के साथ 590 हुआ. 590 में 500 GST चार्ज तो छोड़ दीजिए 18%, 500 में 50% आपके GSK का हो गया. 50% इधर आपको प्रॉफिट है. ठेठ भाषा में बोलेंगे तो 50% ए GST रजिस्ट्रेशन पर आपको प्रॉफिट है. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में 1,000 रुपया है, जो 1,000 में प्लस 18% तो टोटल हो गया 1180. 1180 में आपको GST चार्ज का 250 प्लस 45, ये 295 रुपी आपका है. 1180 में
295 आपका है, ये आप ये ध्यान दीजिए। रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग का आप मार्केट में जाते हो तो बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा लगता है। रिटर्न फाइलिंग फीस होता है 300 रुपया प्लस 18% GST 354 रुपये। 354 में से 177 आपका हो रहा है आपके जीएसके का, आपका ग्राहक सुविधा केंद्र का पैसा 354 में 177 आपका है। पैन कार्ड, पैन कार्ड का दाम या दर एक्चुअल क्या हुआ है, 150 रखा गया है, लेकिन 150 लगता नहीं है क्योंकि पैन कार्ड तो बनाने वाले बहुत शर्त लेते हैं, तो उसका दाम थोड़ा कम है, 120 रुपये है। यहाँ 150 रुपये दिखाया गया है, 150 रुपये से रिवाइज हो गया है, तो इसमें 110 में 10 रुपया पर कार्ड आपका होता है, 110 रुपया चला जाएगा गवर्नमेंट को। CA सर्टिफिकेट इनकम टैक्स 2000 रुपया प्लस 18% होता है, उसमें अप टू 5 लाख तक, उसमें से आपको 2000 में 1000 आपका GSK का है, GST सुविधा केंद्र जो आपका को इनकम हो रहा है। इनकम टैक्स में 5 लाख से 20 लाख रुपए फीस है 5000 रुपए प्लस 18% GST, उसमें से 1500 रुपए आपका एकदम क्लियर है, 1500 रुपया उसमें से ले आपको मिलता है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन फीस, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फीस 18% GST में लेकर के 3000 रुपया होता है, 3000 में 18% GST, सो 3000 में 1000 रुपया आपका है, वे क्लियर है एकदम। लास्ट है प्राइवेट लिमिटेड LLP कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस 11999 प्लस द GST 18%। इसमें आप क्या प्रोवाइड करते हैं, 2 दिन 2 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं आप, ROR रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, MOA सर्टिफिकेट देते हैं, AOA सर्टिफिकेट देते हैं, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देते हैं। ये 11999 अप्रोक्सीमेटली 12000 में आपका 1000 होता है, ये क्लियर है, 1000 रुपया आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ये आपके संस्था को GSK को मिलेगा। मंथली इनकम प्लान में आपको देखिए 300 GSTN रिटर्न फाइलिंग में 300 में 50 में किए या 300 के अनुसार 300 में 177 आपका है, तो यदि महीने में 300 किए तो 53,000 आपका हो जाता है, या ये बहुत क्लियर है। यदि 300 रिटर्न किए तो 170 के हिसाब से 53,000 पर मंथ आपका खाली रिटर्न फाइलिंग में आ जाता है। GST रजिस्ट्रेशन, यदि GST रजिस्ट्रेशन 100 किए पहले पर डे 250 के हिसाब से 295 पे 29,500 आप हर महीने कमा सकते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज से, यदि 200 एक महीने में कर लिए। फिर डिजिटल सिग्नेचर, डिग्नेचर सिग्नेचर 295 रुपये आपका होता है पर डिजिटल सिग्नेचर, यदि उसमें से 100 रुपये में से आप 295 करेंगे तो 29,500 आप महीने का कमाते हैं। यदि 100 रुपये पेन कार्ड बनाते हैं, 100 में 40 बनता है या 100 में 10 बनता है, तो आप 100 पेन कार्ड बनाते हैं एक महीने में, या हाँ एक महीने में, तो 10 रुपये के हिसाब से आपको कितना 1000 रुपया आपको मिल जाता है। सो ये 1000 रुपया हो गया इसमें। इधर मंथली इनकम प्लान में 30 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आप ITR जो CA सर्टिफाई हुआ
एक ऐड करते हैं तो 30 × 1000, सो 30,000 आपका हो रहा है। 30 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऐड करते हैं सीए सर्टिफाई, 30 × 1500, 45,000 रुपये इसमें मिलता है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन में आपको यदि 1,000 रुपया पर डे का एक फॉर्म का है तो 30 एक दिन में एक किए 30 दिन में 30, तो 1000 × 30 टोटली बिकम द 30,000। ये 30,000 हुआ, 30 कंपनी रजिस्ट्रेशन किए एक महीने में, एक टू एक दिन, 30 × 1000, सो 30 × 1000 = 30,000। तो ये टोटल मिला करके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सबका अलग अलग प्रॉफिट बताया गया है, जिसे आप देखिए और समझिए, ये आपके समझने की बात है। यहाँ पर टोटल हमने किया जब, तो टोटल मंथली इनकम आ रहा है 251,100 रुपया, 100, 251,100। सो मंथ ए मंथ पर मंथ ये एक महीने का है, टोटल मनी इनकम रुपीज 251,100 पर मंथ। सो इफ वी डू द 40% वर्क टू जस्ट द पास देन वी कैन, यदि हम 40% वर्क में खर्च कर दिए सैलरी देने में कंप्यूटर अलग खर्चों में, तो भी हमें 1,440 रुपया पर महीने बचत है। कितना अच्छा है, इसे आप यदि खोलने के लिए समझ में आया तो आप उठाइए अपना फोन और कांटेक्ट करिए, नंबर दिया हुआ है, और इसके साथ में आप देख लीजिए अपने ऑफिस का और क्रिटेरिया 8880834060 पर फोन करिए, 9914023031 पर भी करिए। यदि नहीं होता तो ईमेल करिए sme.india21@gmail.com पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द माई SME चैनल।